एवरीवन, आज हम बनाने जा रहे हैं स्वीट मैंगो पिकल। हमने 6 कच्चे आम लिए हैं, इनके छिलकों को अलग कर लेंगे। हमने इसके छिलकों को अलग कर लिया है। अब हम इसे ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे। ग्रेट करने के बाद इसमें जो एक्स्ट्रा वाटर है उसे हम निचोड़ के अलग कर लेंगे। इससे ये पिकल खट्टा नहीं बनेगा। और इसे हम धूप में 1 से 2 घंटे तक रख देंगे। 1 से 2 घंटे तक ही रखेंगे, इससे ज़्यादा नहीं रखेंगे। ये देखिए, 1 से 2 घंटे में ये बहुत ही अच्छी तरह से सूख गया है। अब इसे हम एक बड़े बोल में निकालेंगे। अगर आप मैंगो को ग्रेट नहीं करना चाहते हैं तो इसे आप छोटे छोटे पीसेस में कट करके भी बना सकते हैं। अब हमने इसे एक बोल में निकाल लिया। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। सबसे पहले हम सफ़ेद नमक डालेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। अब हम इसमें ब्लैक सॉल्ट डालेंगे, काला नमक, और हम इसमें गरम मसाला डालेंगे। गरम मसाला डालने के बाद हम इसमें जीरा पाउडर डालेंगे। मसालों के अमाउंट हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अब हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे और हम इसमें रेड चिली पाउडर डालेंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है। रेड चिली पाउडर डालने के बाद हम इसमें चीनी डालेंगे। हम इसे चीनी और गुड़ में बना रहे हैं। आप चाहें तो चीनी या फिर सिर्फ गुड़ में भी बना सकते हैं। अब हम इसमें गुड़ डालेंगे। अब इन सभी को एक बार हम मिक्स कर लेंगे। हमें इसे बहुत अच्छे तरह से मिक्स करना है ताकि सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स हो जाएं। अगर ये आम खट्टा है तब हम इसमें और गुड़ या और चीनी भी डाल सकते हैं। अब इसे हम हाथों की हेल्प से बिल्कुल अच्छे तरह से मिक्स करेंगे। अब ये अच्छे तरह से मिक्स हो गया। अब हम इसे एक ग्लास कंटेनर में रख के 3 से 4 दिन तक धूप में रखेंगे। अगर आप इसे धूप में नहीं रखना चाहते तो आप इसे फ्लेम पे एक कढ़ाई में सारे इंग्रेडिएंट्स रख के लगभग 5 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पे पका लें और ठंडा होने के बाद एक ग्लास कंटेनर में रख लें या फिर इसे धूप में पका लें। ये हमने धूप में बनाया है। अगर आपको हमारी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर करें, और हमारे अगले वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।